गजवा हिंद बनाना चाहते हैं। सही फरमाया आपने चक्रपाणि महाराज, ये देश को गजवा हिंद बनाना चाहते हैं। और महाराज जी मैं आपको बता दूं, ये कोई 100-200 बच्चे नहीं थे, 400 से 500 बच्चे इनके टारगेट पे थे चक्रपाणि महाराज जी। 400 से 500 बच्चे जिनको पता है, कहते थे इनका मॉडल ऑपरेंडी क्या था, इनका मॉडल ऑपरेंडी था कि आप नमाज अदा कीजिए तो इस गेम में आप जीत जाएंगे। बच्चों से ये लोग जबरन नमाज अदा करवाने के लिए उनको भेजते थे मस्जिदों में, उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए उनका ब्रेन वॉश किया गया चक्रपाणि महाराज। इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए ब्रेन वॉश किया जाता था। ये गेम बच्चों को गेम के माध्यम से अपनी गंदी गेम खेल रहे थे, गंदी कुत्सित मानसिकता का ये परिचय दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि अभी भी बड़े बड़े संस्थान जो इस्लामिक संस्थान है वो मौन है, उससे काफी मुल्ला मौलाना मौन है। और हमें लगता है कि जब NI या अन्य एजेंसियां जब जांच करेगी तो देखिए इसके पास तक जब पहुंचेगी तो अनेक बड़े बड़े संस्थान जो इस्लामिक संस्थान है वो जुड़ेंगे, इसके तार बहुत दूर दूर तक जुड़े होंगे और देखिए कि सब बेनकाब होंगे। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द ये बेनकाब किए जाए। और ये बहुत ही बड़ा पाप इन्होंने किया कि जो इस तरह से इन बच्चों को जाल में फंसाने का जो षड्यंत्र रचा, और यह निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से ये इस्लामिक देश बनाने पे और गजवा हिंद बनाने का जो सपना। ये एजाज मौलाना एजाज कह रहे हैं कि इस्लाम में ऐसा लिखा नहीं है कि जबरन किसी का धर्मांतरण कराया जाए, ये तो हराम है हमारे यहाँ। लेकिन हरामियत कर रहे हैं, हरामियत कर रहे हैं यहाँ के इनके धर्म गुरु। तो जो धर्मांतर करने वाले हरामी है, उन हरामियों के खिलाफ क्यों नहीं फतवा जारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं उनको निकाल रहे भाई इस्लाम से।